चुनावी दंगल में जुबानी जंग अभी भी जारी है। 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा। कौनली विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे 15 साल के राजनीतिक करियर में किसी भी एक भाषण में झूठ सुनने को मिला हो तो आप लोग बताना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के भाषण में आपको सिर्फ झूठ और झूठ ही मिला है। राहुल गांधी ने मोदी और केजरीवाल पर हमला बोलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि अमित शाह का भाषण ही नहीं सुनना बल्कि उनका भाषण सुनना ही नहीं चाहिए, उनके भाषण में सिर्फ कचरा होता है। बीजेपी का नाम सिर्फ लोगों को बांटना है, कांग्रेस पार्टी शब्दों से नहीं दिल से रिश्ता बनाती है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,30,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया था, लेकिन उन्हें गरीब और किसानों की चिंता नहीं है। मोदी को सिर्फ महलों में रहने वालों की चिंता है। इससे पहले मोदी ने अमीरों का 3,50,000 करोड़ का कर्ज माफ कराया था। राहुल ने कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों के 72,000 करोड़ रुपए माफ किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल ने पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन सबूत कुछ नहीं हुआ। सिर्फ झूठ और नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तान प्यार और भाईचारे से आगे बढ़ने वाला देश है। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे देशों की कंपनियां भारत में निवेश करने से पीछे हट रही हैं। इसके लिए सीधे तौर पर मोदी जिम्मेदार है। कोई भी भारी कंपनी नफरत और हिंसा के बीच इन्वेस्ट नहीं करेगी। राहुल ने कहा कि आप लोग कांग्रेस को मौका दीजिए, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और रोजगार के दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो देश में नफरत बढ़ी है, हिंसा फैली है, इसका फायदा सिर्फ नरेंद्र मोदी को होता है और नुकसान सिर्फ जनता का। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनाने के लिए पूरा कदम लाऊंगा। ये मुल्क प्यार और भाईचारे से ही आगे बढ़ सकता है, ये लोगों को समझना होगा। SPN9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।